गुड मॉर्निंग ऑल स्टूडेंट, आज हम आपको क्लास सिक्स का चैप्टर नंबर सेकंड का इंट्रोडक्शन कराएंगे। चैप्टर का नाम है होल नंबर्स, यानी होल इससे पहले क्या था आपका नोइंग आर नंबर्स। नोइंग आर नंबर्स के बाद चैप्टर नंबर सेकंड है आपका होल नंबर्स। नोइंग आर नंबर्स में अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम है तो आप पूछ सकते हो, और नोइंग आर नंबर्स वाले चैप्टर को कंप्लीट आपको फेयर में एज इट साफ साफ राइटिंग में करना है। तो ये क्या है आपका होल नंबर्स। इस होल नंबर्स का पहले सबसे पहले इसको इंट्रोडक्शन सब समझते हैं थोड़ा सा, और इंट्रोडक्शन के बाद इसकी एक्सरसाइज 2.1 कराएंगे आपको। तो फर्स्ट इसमें ये क्या है, क्लास सिक्स का है, मैथ फर्स्ट ही आपका दो चैप्टर नंबर सेकंड द होल नंबर्स। होल नंबर्स समझने से पहले आपको नेचुरल नंबर्स को समझना पड़ेगा। तो नेचुरल नंबर्स क्या है, नेचुरल नंबर्स नाम से पता पड़ रही है आपको कि प्राकृतिक संख्या है। The natural numbers 1, 2, 3 which we use for countings are known as the natural numbers. यानी जो हम सिंपल वे में काउंटिंग बोलते हैं 1, 2, 3, 4, 5, ये सभी क्या है आपके नेचुरल नंबर है। 1, 2, 3, 4, 5 ये क्या है इनफिनिटी तक, ये क्या है आपके नेचुरल नंबर्स हैं। और नेचुरल नंबर के साथ तो एग्जाम्पल के ये लिख सकते हो 1, 2, 3 and 4 इनफिनिटी, यानी ये सभी नंबर्स क्या है जो आपके नंबर्स हैं, नेचुरल नंबर है आपके काउंटिंग जो दे रखी है 1, 2, 3, 4, 5 ये सभी आपके नेचुरल नंबर्स हैं। होल नंबर्स क्या है, डेफिनेशन क्या है, द नेचुरल नंबर्स एड अप विद जीरो फ्रॉम द कलेक्शन ऑफ द होल नंबर्स। यानी सिंपल सी बात क्या है, अगर कोई नेचुरल नंबर का कलेक्शन है और नेचुरल नंबर कलेक्शन में यानी ग्रुप है और उस ग्रुप में अगर जीरो को और शामिल कर लिया जाए तो वो होल नंबर्स हो जाते हैं। द नेचुरल नंबर्स along with zero from the collection of whole number, यानी जो natural number है अगर उस natural number में zero को और शामिल कर लिया जाए तो वो आपके whole numbers होंगे। example के लिए मेरे पास natural number कौन से थे 1, 2, 3 and 4 infinity तक थे, और वही number क्या हो रहे zero से start हो रहे 1, 2, 3, 4, यानी यहाँ पर एक definition निकलती है all natural number are whole numbers, all natural number are whole numbers। पर ये नहीं हो सकता कि और होल नंबर्स आर नेचुरल नंबर्स, ये नहीं हो सकता, यानी सभी होल नंबर नेचुरल नंबर नहीं हो सकते हैं। व्हाट कंडीशन क्या है, सभी नेचुरल नंबर होल नंबर्स हो सकते हैं, होते हैं सभी ऑल नेचुरल नंबर्स आर होल नंबर्स। अगर इसमें दो वर्ड्स और आएंगे, एक सक्सेसर आएगा एक प्रेडेसेसर आएगा, उसका मींस क्या है, सक्सेसर का मींस है आगे की तरफ बढ़ना, प्रेडेसेसर का मींस है एक स्टेप आगे पीछे की तरफ घट जाना। जैसे एग्जांपल के लिए मैंने सक्सेसर ले लिया, ये समझ लो एग्जांपल इसका 96 है, इसमें मुझे सक्सेसर आगे बढ़ना है, सक्सेस होना है, तो इसमें क्या करेंगे प्लस 1, तो इसका एग्जांपल कितना हो गया 97। ऐसे इसमें प्रेडेसेसर जैसे मैंने मान लिया एग्जांपल के लिए 45 है, तो प्रेडेसेसर इसका कितना हो जाएगा, प्रेडेसेसर ऑफ 45, तो क्या हो जाएगा, हमने क्या कहा था प्रेडेसेसर मींस एक स्टेप घट जाना, तो ऊपर कितना हो जाएगा 44। सिंपल सी बात क्या है, सक्सेसर में एक स्टेप आपको बढ़ाना है यानी एक को प्लस करना है, और प्रेडेसेसर में एक को माइनस करना है। इसी के बेस पे एक्सरसाइज 2.1 है, उसको करते हैं थोड़ा। एक्सरसाइज 2.1 क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देखो, राइट द नेक्स्ट थ्री नेचुरल नंबर्स नंबर After 1, 0, 9, 9, 9, यानी इसके आगे के आफ्टर इस बाद के तीन नंबर फाइंड करने हैं। तो नंबर्स फर्स्ट नंबर क्या है आपका नेचुरल नंबर है, तो नेचुरल नंबर क्या है आपके असेंडिंग ऑर्डर में चलते क्रम से, तो ये क्या हो जाएगा 1, 0, 9, 9, 9 प्लस 1, तो कितना हो जाएगा
1 1 0 0 0। अब ऐसे सेकंड नंबर में क्या है, 3 स्टेप, 3 नंबर फाइंड करने हैं। तो इसमें ये जो नंबर मिला है आपके पास, इसमें क्या करेंगे प्लस, तो ये क्या हो जाएगा 1 1 0 0 1। ऐसे थर्ड नंबर, तो थर्ड नंबर में क्या दे रखा है 1 1 0 0 0 प्लस 1 प्लस 1, तो ये क्या हो जाएगा 1 1 0 0 2। यानी ये क्या है आपके, राइट द नेक्स्ट 3 नेचुरल नंबर्स आफ्टर 1 0 9 9 9, यानी 1 0 9 9 के बाद के 3 नंबर फाइंड करने हैं। तो हमने पहले स्टेप में क्या किया, फर्स्ट प्लस किया, दूसरे स्टेप में क्या प्लस वन किया, तीसरे स्टेप में प्लस वन किया, और ये हमें आंसर आपको मिल गया, यानी 3 नेक्स्ट 3 नंबर ये है। ऐसे इसका क्वेश्चन नंबर सेकंड है, उसमें क्या है आफ्टर की जगह क्या लिखा हुआ है, बिफोर लिखा हुआ है, बिफोर, जस्ट बिफोर नेचर की जगह बोल रहे, जस्ट बिफोर 1 0 0 0 1, बिल्कुल सेम प्रोसीजर है। बिफोर में क्या करना है आपको, प्लस की जगह माइनस करना है और इन डिजिटों को चेंज करना है। प्लस की जगह क्या करना है आपको, माइनस करना है। तो फर्स्ट ये है आपका 1 1 0 1, तो फर्स्ट में क्या करना है माइनस 1, तो क्या हो जाएगा 1 1 1 0 0 0, यही तो हो जाएगा। ऐसे सेकंड नंबर में क्या करेंगे, इसमें जो भी आंसर आया उसमें से माइनस कर देंगे आप, माइनस 1, जो भी आंसर आएगा वो यहां करना है। नेक्स्ट इसी प्रोसेस से इसको आगे सॉल्व करना है, डू इट। इसी में क्या है, क्वेश्चन नंबर थर्ड है, राइट विच इज द स्मॉलेस्ट होल नंबर, यानी क्वेश्चन नंबर थर्ड में क्या दे रखा है, विच इज द स्मॉलेस्ट होल नंबर, सबसे छोटा होल नंबर क्या है। तो सबसे छोटा होल नंबर क्या है, हमारे क्या होता है, अगर आपको नेचुरल नंबर्स दे रखे हैं और नेचुरल नंबर हमारे किस स्टार्ट होते हैं 1 से, तो ये क्या है, ये तो आपका स्मॉलेस्ट नेचुरल नंबर हो गया। अगर नेचुरल नंबर में इंक्लूड अ जीरो, यानी जीरो को और शामिल किया कर दिया जाए, तो क्या बन जाता है होल नंबर, तो स्मॉलेस्ट होल नंबर इज अ जीरो। तो नेक्स्ट क्वेश्चन को नेक्स्ट वाले वीडियो में कल डिस्कस करेंगे।